हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं छटेरा। यहाँ पास में ये गांव है छटेरा, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छटेरा। तो गाइज, ये अभी हम आ गए हैं आरंग रोड पे। तो ये अभी हम लोग पारा गांव पहुंचे हैं। तो गाइज, अभी हम लोग इधर से बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे, मतलब कहीं मुड़ना होगा तो मैं आपको रूट बताती हुई जाऊंगी कि मतलब छटेरा गांव किधर से जाते हैं। तो गाइज, इधर से राइट साइड से चंपारण जाते हैं और इधर चंपारण होके भी छटेरा जा सकते हैं। चंपारण से टीला, टीला से आगे एक दो गांव और पड़ता है, उसके बाद छटेरा पड़ता है। मतलब आरंग से पहले मुड़ेंगे और जहां मुड़ूंगी मैं आपको बताऊंगी कि इधर से भी कहां मुड़ना है। तो ये अभी हम लोग तोरला गांव क्रॉस कर रहे हैं। पूरा तालाब भरा हुआ है, पूरा खेत एकदम हरा भरा दिख रहा है और ऊपर बादल कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी ये हम लोग तामा सिवनी पहुंचे हैं। नया पारा से आरंग के बीच एक यही गांव पड़ता है जो थोड़ा बड़ा है। ये क्या चौरौंदा गांव आया है। तो गाइस, अब हम लोग यहां से ये राइट साइड मुड़ेंगे। तो ये अभी हम लोग चरोदा गांव पहुंचे हैं और इसी गांव से इधर राइट साइड मुड़ गए हैं। हम लोग आरंग तरफ से आ रहे हैं, तो आरंग से इधर 8 किलोमीटर आगे आना पड़ता है। और ये हम लोग जब राइट साइड मुड़े हैं, अब इधर से सीधा ही सीधा जाना है हम लोग को, कम से कम 6-7 किलोमीटर। और इधर से अभी एक गांव क्रॉस किया है हमने। तो ये अभी हम लोग दूसरा गांव पहुंचे हैं, मतलब उधर से आने पे हम लोग को ये दूसरा गांव पड़ेगा और इसी गांव में वो मंदिर है। ये देखिए, इधर से राइट साइड पे मंदिर है। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। इधर मेरे पीछे में मंदिर है और अब चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। तो ये अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। ये मंदिर का गेट, गेट ही कितना खूबसूरत है। शिव सरोवर, चलिए अब अंदर जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है इधर मंदिर। और ये मंदिर ये तालाब के बीच में बनाया गया है, जिसके कारण ये और खूबसूरत लगने लगा है। और ये तालाब बिल्कुल भरा हुआ है। और अब इधर हम लोग ऊपर जाएंगे, शंकर भगवान जी का दर्शन करेंगे। कितना सुंदर है मंदिर। जय प्रभु। जय भोलेनाथ। चलिए अब आपको इधर से दिखाएं मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए, पूरा चारों तरफ तालाब से घिरा हुआ है मंदिर। और ये मंदिर को बिल्कुल शिवलिंग जैसे बनाया गया है, ऊपर नाग भी बना है, नाग देवता ऊपर में नाग देवता भी बने हुए हैं।
और ये यहाँ पे नंदी महाराज जी, और ये यहाँ पे नंदी भगवान बने हुए हैं। चलिए अब हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे में भी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए इधर पे भगवान विष्णु, इधर पे भगवान विष्णु जी की बनी हुई है मूर्ति। यहाँ पे भगवान विष्णु जी को जी लक्ष्मी माता जी की मूर्ति बनी हुई है, और इधर पे गरुड़ देव और नारद मुनि जी की भी मूर्ति बनी हुई है। इनको पूरा कांच के अंदर रख बनाया गया है। और ये इधर नीचे उतरने के लिए रोड होना है। और यहाँ पे मछली भी बहुत सारी है, ये देखिए। ऊपर में शंकर भगवान जी हैं, तो उनकी ऊपर बिल्कुल शिवलिंग बनाया गया है, और नीचे में विष्णु भगवान जी हैं, इनके चारों तरफ बिल्कुल कमल की आकृति का बनाया गया है। ये देखिए इधर चारों तरफ पूरा कमल की आकृति का बनाया गया है। सो गाइस, आपने देखा ये मंदिर कितना खूबसूरत है, मतलब बहुत सुंदर है। आप सब एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे दर्शन के लिए, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस मंदिर में आके। इधर सामने में नंदी महाराज जी बने हैं। उधर ऊपर में शंकर भगवान जी हैं, तो ऊपर पूरा शिवलिंग जैसे बनाया गया है, और नीचे में विष्णु भगवान जी हैं, तो इनके चारों तरफ से पूरा कमल की आकृति बनाई गई है। तो गाइज, इस वीडियो का एंड अब यहीं पे करते हैं, और आप सब एक बार जरूर आइएगा मंदिर देखने, मंदिर को दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर जगह है ये, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।